फ्रेंड्स, वेजिटेलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज हक्का नूडल, वेज चाउमीन, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट में जिस तरह से बनता है एक्जेक्टली वैसा ही हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज चाउमीन, वेज हक्का नूडल बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो इस प्रकार है। ये एक पैकेट मैंने नूडल्स लिया है और ये स्प्रिंग ऑनियन को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, बंच ऑफ स्प्रिंग ऑनियन कट किया है उसकी लीव्स को। ये 4 ग्रीन चिली मैंने उसको भी चॉप कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो डालिए या फिर थोड़ा बहुत डालिए, पूरा नहीं डालिए। ये थोड़ा पत्ता गोभी है, कैबेज, उसको मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। ये मैंने एक बड़ा प्याज है उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। एक गाजर है, कैरेट, उसको भी मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। और एक कैप्सिकम है, उसको भी मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। इससे अलग जो हमें सॉसेस चाहिए, जो कि चाइनीज बनाने में चाहिए रहता है, ये है रेड चिली सॉस, ये सोया सॉस, ये है विनेगर, और ये है ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। उससे अलग हमें मसाले में सिर्फ काली मिर्च चाहिए और नमक चाहिए और कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये नूडल्स को बॉईल करने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि मैं इसमें से 1 स्पून नमक डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैन के अंदर मैंने पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा 1 स्पून ले लीजिए आप अकॉर्डिंगली, और आप थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दीजिए। उसके बाद में इसको एक बार हम चला देंगे। जब आपको लगता है कि ये पानी में उबाल आने लगा है तब आप इसको डाल दीजिए और लिड लगा दीजिए, इसको बनने दीजिए। ये देखिए नूडल बॉईल हो चुके हैं, 8 मिनट लगे हैं क्योंकि हमने पानी को पहले से गर्म कर लिया था। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं। ये हमने नूडल्स को ड्रेन कर लिया था। उसके बाद में आपको इसको ठंडे पानी से धोना है, उससे क्या होता है नूडल आपस में चिपकते नहीं है। तो आप ड्रेन करने के बाद इमीडिएटली उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम नूडल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और गैस पे इसको स्टार्ट कर दिया है, गैस स्टार्ट कर दी है। आप इसकी जगह नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, मगर आपने हमेशा देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में चाइनीज हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसके अंदर बनता है और हमेशा चाइनीज को फुल हीट पे बनाया जाता है, तो ये बैलेंस कर लेता है हीट को। तो अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें आराम से 2 से 2.5 टेबल स्पून तक जाएगा। ऑयल हमने डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद में हम ये सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम ऑनियन इसके अंदर डाल देंगे। आपको कंटिन्यूअसली इसको स्टिर करना होगा क्योंकि हीट बहुत हाई रहता है इसके ऊपर। इसको अच्छे से सौते करना है। ऑनियन को हमने 1 मिनट तक कर लिया है फ्राई। अभी कैप्सिकम भी इसके अंदर डाल देंगे, उसको भी सेम स्टिर करते रहेंगे। करीबन 1-2 मिनट हमने इसे कैप्सिकम के साथ भी भून लिया है। अभी ये मैं गाजर भी डाल रही हूँ, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसको भी 1 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब कैप्सिकम भी हम इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे। वेजिटेबल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको कितना पसंद है, और भी कुछ अगर आप डालना चाहते हैं वेजिटेबल्स तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी ग्रीन चिली, एक 2 मिनट इसको फ्राई कर लिया है हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। थोड़ा सा हम सॉल्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर ये नूडल्स डाल दीजिए थोड़े थोड़े करके। तरह से नूडल ओनली 1 पैकेट लिया है मैंने, तो इसके वेजिटेबल थोड़ा कम लिए हैं। अगर आप नूडल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप वेजिटेबल की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से बढ़ा दीजिए। को हम मिक्स कर लेंगे उसके साथ में। ये हमने आप इसको मिक्स करने के लिए 2 स्पून इस तरह से लीजिए और इस तरह से मिक्स कीजिए।
तो ये बहुत इजी हो जाता है। और अब हम इसके अंदर नूडल ऑलरेडी बॉईल करने के बाद हमने नमक डाला था, थोड़ा सा वेजिटेबल में भी डाला है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डाल लीजिए। और सेम आप थोड़ी सी काली मिर्ची और डालिए, तो फिर हम इसको फिर से मिक्स करेंगे इस तरीके से, इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप इस तरह से इसको मिक्स कीजिए। अब हम इसके अंदर ये सोया सॉस है, आप उसको, मैं मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ आपको, ये 1 स्पून इज इनफ, आप इतना इसके अंदर डालिए। विनेगर वो भी मैंने 1 स्पून लिया है, अगर आपको खट्टा और ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस इसके अंदर हम डालेंगे, 1 स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, अगर आप तीखा और खाना पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इसको मिक्स कर लें, सेम तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए ताकि सारे सॉसेस नूडल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये 1 स्पून टोमेटो सॉस भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मीठापन नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये नूडल बिल्कुल रेडी है, अच्छे से सारे सॉसेस इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। ये लीजिए वेज चाउमीन, वेज हक्का नूडल बनके रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा टेस्ट इसका आएगा। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और अगर बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।